पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 1000 और 500 के नोटों को बंद किया उससे देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। एक ऐसा ही मामला बांदा से देखने को मिला है जहां पर एक गरीब मजदूर अपनी बच्ची की के उपचार के लिए इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक से पैसे निकालने गया लेकिन उसको पैसे नहीं मिले और उपचार के अभाव में बच्ची ने दम तोड़ दिया। वहीं इस मामले में एसडीएम का कहना है कि बच्ची की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बैंक गया था पैसा निकालने के लिए, नंबर में खड़ा था तो मेरी जो है पासबुक भी नहीं अंदर जमा की गई और ना मेरे को टोकन दिया गया ना अंदर जाने दिया साहब। तो मैं मेरे को जब किनारे लाइन से कर दिया तो मैं वहीं घूमता रहा। बाद में मेरा पिताजी आया बच्ची की दास दवा कराने के लिए कि जो है पैसा मिला कि नहीं मिला, तो उधर ही से गाजीपुर चला जाऊंगा दवा कराने के लिए साहब। तो लेकिन पैसा ही नहीं मिला, वहाँ जाते जाते आधे घंटे में उन्होंने बताया कि लड़की की तबीयत बहुत खराब है, फतेहपुर गाजीपुर लेके जाना है और वहीं इनकी लड़की 2:30 बजे एक्सपायर कर गई। अब वो लड़की और पहले मर गई, वहाँ पहुँच के मरी, ये तो जांच का विषय है। ये बैंक मैनेजर तक पहुँचे या लाइन में ही लगे रहे ये भी जांच का विषय है। इसलिए हमने इनसे कहा है कि आप अपनी एक तहरीर दे दो और जो व्यक्ति दोषी होगा जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।